हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज हम जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है? ये जनरल रीडिंग होती है, ये आप से रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से लें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से लें। मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एरीज लियो सैजिटेरियस, The Emperor, The Lover, Five of Cups। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों में उलझे हुए हैं। वो पास्ट को ज़्यादा सोच रहे हैं, ना कि वो फ्यूचर को सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप चेंज हो चुके हैं, अब वो बैलेंस करना चाहते हैं तो आपका ध्यान नहीं है। वो चीज़ें चेंज करना चाह रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ ये सब चीज़ें वो चेंज करना चाह रहे हैं, जो उन्होंने इक्वल बैलेंस नहीं करा सब चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए हैं वो ये सब चीज़ें मैरिज की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है दी हाई प्रिस्टेस, आपको अब कोई इंटरेस्ट नहीं है खास इन सब चीज़ों में। आपके पार्टनर जेमिनी हो सकते हैं या आप जेमिनी हो सकते हैं, या वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न यहाँ पे नहीं है, लिब्रा है, एक्यूरियस है, एरीज लियो सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा है। उनको कोई लॉस फील हो रहा है इस वक्त, जो वो फील कर रहे हैं इस वक्त लॉस फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई है जो जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी सोच में वो आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से स्टॉक करते हैं, किसी सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं से स्टॉक करते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि टेबल्स टर्न हो चुकी हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, उनके बिना भी अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे हैं। हम और देखते हैं कि आगे क्या आएगा। किंग ऑफ पेंटिकल, अब आया वर्गो टैरोस कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। एट ऑफ सोल, द फूल, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं वो आपके साथ। वो क्लियर होना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं, एक किंग की तरह आकर आपकी तरफ पूछ कर क्वेश्चन करना चाहते हैं। वो नाइट ऑफ वैंड्स, वो अक्सर नाइट की एनर्जी में ही रहते हैं। टू ऑफ वैंड्स, कोई ना कोई चाहते हैं आप भी डिसीजन मेकिंग करें और वो भी डिसीजन मेकिंग करें, ताकि ये सब चीज़ें हमारी क्लियर होके मेंटली ब्लॉक्स हटें और एक डिसीजन किया जाए। उनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और इन्वॉल्व हैं, वो मेंटली इल्यूजन में जाते जा रहे हैं, नेगेटिव होते जा रहे हैं, फिर कभी सोचते हैं कि आपकी तरफ आना चाहिए। आपके पार्टनर की जो इस वक्त करंट फीलिंग से बहुत कंफ्यूज करंट फीलिंग से, उन्होंने ख़ुद की नेगेटिविटी में ख़ुद को ही स्टक किया हुआ है, वो खुद स्टक हैं अपनी ही नेगेटिविटी में। दी फूल,
वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे की जाएगी ये न्यू बिगनिंग, ये क्या किया जाएगा यहाँ पर, जो एक स्टार्ट लिया जाएगा। क्लेरिफाई पेज ऑफेंस की सेंडर साइन स्पीड गाइड मेरे व्यूअर के लिए, बताइए उनके पार्टनर स्ट्रक्चर के बारे में क्या सोच रहे हैं, किस में एंसेस्ट्रल स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। ये आपकी कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, कार्मिक बाउंड पास्ट ईयर्स रिलेशनशिप में बैलेंस हुआ नहीं है, ये इसलिए चीज़ें बिल्कुल टर्न हो चुकी हैं। कुछ ना कुछ कार्मिक बैगेजेस हैं आपके पार्टनर के साथ भी और आपके साथ भी। डेथ, उनको लग रहा है एंडिंग हो चुकी है इस रिलेशनशिप की उनकी तरफ से, बस वो लास्ट आपसे क्लैरिटी चाहते हैं। द शेडो, बिल्कुल उनके शेडो साइड ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, उनकी नेगेटिविटी ने, जो वो नेगेटिव बिहेव करते रहे, उसकी वजह से हर चीज़ एंड हो गई। पेज ऑफ फैंस, वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव तो हैं, वो आना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है क्वीन ऑफ फैंस, आप अपनी पावर में, उनकी नज़र में उनको ऐसा लग रहा है आप अपने ही पावर में हैं, आपने डेथ एंड कर दिया ये रिलेशनशिप। वो अपने ही शेडो सेल्फ से फाइट नहीं कर सके और उन्होंने ये सब चीज़ें ख़राब कर दी, ऊपर इनकी स्टकनेस का कार्ड, मेंटली स्ट्रकनेस, उनकी नेगेटिविटी ने उनकी उनको आज़ाद नहीं होने दिया कि डिसीजन मेकिंग करने नहीं दी आगे के लिए। टू ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ सोर्ड, ये आपके लिए, आप क्लियर थे आपको क्या चाहिए, वो कभी क्लियर ही नहीं हो पाए, वो पेजेस की एनर्जी में रह गया और आप क्वीन की एनर्जी में आ गए। ये जितने भी क्वीन और किंग यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये आपकी एनर्जी शो हो रही है, आपने एक पावर में आके कोई डिसीजन मेकिंग करी है। अब आपने सुनाया फैसला, पहले आप सुनना चाहते थे फैसला। खैर इस वक्त वो बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहे हैं, वो उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज़ें मेरी ही वजह से ख़राब हो गई हैं और आप डिफेंसिव हो चुके हैं उनकी तरफ से, आप कोई स्टेप लेना नहीं चाहते। वैसे मुझे लग नहीं रहा है वो कोई एक्शन लेंगे, वो खुद ही कोई स्टॉक वगैरह करके आपकी लाइफ के बारे में पता लगाना चाह रहे हैं, लेकिन अब उनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाहिए, क्योंकि उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है वो कोई स्टेप लें, उनको पता है कि अच्छी खासी हो जानी है। चलो चेक करते हैं कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं, टू नहीं चाहिए, मुझे वन कार्ड चाहिए प्लीज़, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के लिए, उनके पार्टनर कोई उनकी तरफ कोई स्टेप एक्शन कोई मूव करेंगे या नहीं। ऐसा हो सकता है आप उनसे बात ना कर रहे हो, बहुत हार्ट ब्रोकन है इस वक्त तो फिलहाल आपके पार्टनर। नाइन ऑफ कप्स, उनको ऐसा लगता है उनकी विश फुलफिलमेंट थी ये रिलेशनशिप, अब उनको ऐसा फील हो रहा है, पहले जो आप समझाना चाहते थे अब वो फीलिंग आ रही है हल्के हल्के करके आहिस्ता आहिस्ता। फोर ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कुछ कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे आपके डर की वजह से, क्वीन ऑफ फैंड्स, क्योंकि अब उनको पता है क्या कहें, आप डिफेंसिव हो चुके हैं, ये बॉटम ऑफ द डेक पहले भी था और ये अभी भी यहाँ आया, आप डिफेंसिव हैं, आप सुनना नहीं चाह रहे कुछ, आप बोले नॉनसेंस और नहीं सुननी। खैर अब देखेंगे आपके लिए एडवाइस, आपके पार्टनर इस वक्त तो कुछ भी मूव नहीं करेंगे, वो दूर से ही बैठ कर अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ देखते रहेंगे और पास्ट को याद करेंगे जो उन्होंने सब चीज़ें बर्बाद करी हैं। कोई उनकी लाइफ में सेकंड ऑप्शन भी हो सकता है जिस तरफ वो गए थे। द लवर हमेशा चॉइसेस का कार्ड होता है और जो टू ऑफ कप्स आता है वो होता है सोलमेट कार्ड। आपने अपने ऊपर काम किया इसलिए चीज़ें चेंज हुई हैं। प्लीज सजेस्ट एंड स्पीड गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के लिए एडवाइस क्या होनी चाहिए इस वक्त के लिए। एडवाइस क्या होनी चाहिए सिचुएशन में, एडवाइस आपके लिए क्या होनी चाहिए। hmm.
पैस। गॉसिप्स, आप अपनी लाइफ एंजॉय करें, अपने शेडो से इतना मत कंफ्यूज हो, जो चीजें हैं उनकी तरफ मूव करें। क्रिएशन, इंटेंस, अबेंडेंस, आपकी तरफ अबेंडेंस आ रही है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ आप बातें करें, अपनी लाइफ को इस टॉपिक से दूर रखें अभी फ़िलहाल के लिए। इन सब चीज़ों को रिलीज़ कर दें, कुछ न्यू क्रिएट करें। और जो आप हैं, इतना इंटेंसिटी से किसी भी चीज़ में इतना मत सोचें, बस थोड़ा सा गो विद द फ्लो हो जाएं और डीप थिंकिंग करें। ये वर्गों का कार्ड होता है यहाँ पर, जो हर्मिट इम्पैस जो आया है, ये हर्मिट होता है ये कार्ड। आप खुद से सवाल करें आपको क्या चीज़ छोड़नी ज़रूरी है अपनी लाइफ जो आपकी स्टक हुई हुई उससे निकलने के लिए, और सेल्फ लव करें और कुछ क्रिएट करें। कुछ आप कर सकते हैं, यूनिवर्स कह रहा है आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, आप क्रिएटिव पर्सन है, जो आप क्रिएट कर सकते हैं वो क्रिएट करें। अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, कुछ कोई मनी गेन हो सकता है आपको, कोई जॉब लग सकती है, कोई आपका अगर आप कोई काम करते हैं तो, या तो कोई बॉन्ड लग सकता है, कोई ना कोई अबंडेंस है आपकी। जैसे ये संदूक दिख रहा है आपको, बहुत सारे कॉइन्स हैं इधर, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको मिल सकता है अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करें तो, और अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इंजॉय करें। इतना बात इतना मत सोचें, इस पार्टनर के पीछे इनको आना होगा तो ये आ जाएंगे, ये नसीब की चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये रीडिंग हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।